आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिमरन थापा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम कर रही हूँ। दोस्तों आज हम सभी इस जूम के प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हुए हैं, इससे ये बात तुरंत क्लियर तय हो जाती है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। इसलिए हम सभी ने अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाला है। साथियों आज जिन्होंने भी हमें इस प्लेटफॉर्म में आमंत्रित किया है वो हमारे शुभचिंतक है और धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि आज हमें ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हमारे बीच में एक ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है जिनको शेयर में आमंत्रित करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आपके पास एक्स्ट्रा फोन है तो उसे स्विच ऑफ कर दे और हमारा प्रेजेंटेशन इस प्रकार से डिजाइन करें कि हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप ही मिलते जाएंगे। है तो उसे लिख कर रखे और अंत में जरूर क्लियर करें। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में मौजूद डायनामिक पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगी। आप सभी के जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे लेडी टाइगर किरण मैम का। वेलकम किरण मैम एंड थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजात लिंबू और मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट से बिलोंग करता हूँ और मैं एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को तीन चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी आपका दूसरा मोबाइल फ़ोन है तो कृपया स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि आपको कोई भी जानकारी लेने से आपको डिस्टर्ब किया ना जाए। और कोई भी सवाल है तो आप जरूर अंत में पूछ सकता है, क्योंकि हमारे प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया बनाया गया है क्योंकि हर सवाल का जवाब एक स्लाइड पे दिया गया है। और कोई भी प्रेजेंटेशन लेने से आपको बीच में छोड़कर न जाए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान करे नुकसान। और मैं समय को मध्य नज़र रखते हुए हमारे ग्रेट मेंटर पूरन सर को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों के जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को हमारी मीटिंग पे वेलकम करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम जेसन राय है और मैं दार्जिलिंग कॉर्नडार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्टूडेंट होके भी इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई भी दूसरा मोबाइल फ़ोन हो तो या आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए या उसको आप साइलेंट कर दीजिए ताकि कोई भी कॉल आके आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो दूसरी बात है कि आप क्या, वैसे तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है पर लगे आपको जो भी सवाल हो वो आपको लिख के रखिए ताकि आप उसे अंत में ज़रूर पूछिए। और तीसरी बात, आप ये प्रेजेंटेशन बीच में छोड़ के ना जाएं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान करे नुकसान। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे की जानकारी के लिए अपने ग्रेट मेंटर को आगे बुलाना चाहता हूँ। ओके सर।